वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी। मैं हूँ नतमिता। मैं लेकर आई हूँ 7th क्लास में एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन है हमारा 6। हमारा क्वेश्चन क्या है? किसी हिमीकरण ठंडा मतलब हिमीकरण मतलब ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है 6। ठीक है, तो कमरे का आरंभिक तापमान क्या था? मैं यहाँ पे लिखेंगे आरंभिक
फिर ये जो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है कह रहे हैं 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मोहन के चार सही प्रश्नों के अंक तो कितने हो गए, 4 सही प्रश्नों के अंक प्रश्न कितने हैं 4, अंक कितने मिले हैं, 1 अंक का कितना मिला है 5, तो कितना हो जाएगा 20 अंक हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 20 अंक हो जाएगा। ऐसे ही लिखेंगे मोहन के कितने अंक गलत कर रहा है, 6 गलत प्रश्नों का उत्तर देता है, 6 गलत प्रश्नों के अंक कितने प्रश्न कर रहा है, 6 गलत पे कितना मिल रहा है -2। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 6 × 12 प्लस और माइनस की गुणा -। ठीक है, तो कितना हो जाएगा उसे से गुणा हुए तो क्या हुआ 10 और -1
है। तो अब हमारा हीरा के द्वारा प्राप्त अंक क्या हो जाएंगे हमारे इस 10 में से, क्या घटा देंगे 10 घटा, ये जो अंक मिले हैं इन दोनों को क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितना अंक मिलेगा। ठीक है, इन दोनों अंकों को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 10 में से 10 लिया 0, मतलब उसको एक भी अंक नहीं मिला। ठीक है, एक भी अंक नहीं मिला। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है, छठा और सातवां क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, हमारे वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को इस लेक्चर को लाइक करिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और आपके जो भी रिलेटिव हैं जो फर्स्ट क्लास से लेकर टेंथ तक की जो अभी आपके जाने पहचाने लोग हैं, ठीक है, उनको आप शेयर कर सकते हैं। और आज की क्लास में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब।